टू ऑल ऑफ यू, दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सीबीएसई वाले बच्चों की, जो बच्चे एग्जामिनेशन के लिए, जिनका एग्जाम सीबीएसई का क्लास 10th का और क्लास 12th वाले बच्चों का जो एग्जामिनेशन है, बच्चों ये आपका 4 मई से आपका सीबीएसई का एग्जाम स्टार्ट है, 4 मई 2021 से आपका सीबीएसई का एग्जाम है। लेकिन ऐसे में तमाम ये वाले काफ़ी सारे ऐसे असमंजस आ रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन होगा भी या नहीं होगा, या एग्जामिनेशन को ऑनलाइन किया जाएगा एक सबसे बड़ी बात है, या फिर इसे कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल करके या फिर इन्हें प्रमोट किया जाएगा, या फिर एग्जामिनेशन को ऑफलाइन लिया जाएगा, तो ऐसे तीन, और या फिर एक ये हो सकता है कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना एक काफ़ी ज़्यादा डिसीजन उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन वैसे ही मई मंथ में हो रहे हैं, मई मंथ से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, लगभग आपका 15 जून तक आपका एग्जामिनेशन सीबीएसई का एंड होगा। ऐसे में यदि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है तो एग्जामिनेशन का जो सेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका होगा। मान लिया जाए एग्जाम आपका जून में कंडक्ट करवाया जाता है तो आपका एग्जामिनेशन जुलाई में जाकर एंड होगा, और जुलाई में जब आपका एग्जाम आता है, एंड होता है, तो आपका साथ ही साथ आपके जो रिजल्ट होंगे वो आपके रिजल्ट आते आते अगस्त हो जाएंगे, यानी कि आपका सेशन पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, पूरा सेशन बेकार हो जाएगा। तो ऐसे में हमें पोस्टपोन को तो अभी थोड़ा सा रोक के रखना चाहिए, सीबीएसई को सोचना चाहिए कि अब वो ऑनलाइन एग्जाम ले, कैंसिल करे या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए उन्होंने बता रखा है 4 मई से एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन अभी तक जो काफ़ी ज़्यादा जगह पे ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन लग चुका है, जैसे कि महाराष्ट्र के काफ़ी सारे पार्ट्स में लॉकडाउन लग गया है, नाइट कर्फ्यू दिल्ली में, नोएडा यूपी और महाराष्ट्र और काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने नाइट कर्फ्यू, और हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लग गया, काफ़ी सारे स्टेट ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया जिससे लोग रात में बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे में मान लिया जाए कि एग्जामिनेशन सेंटर, कोई बच्चा मान लिया किसी दूसरे स्टेट से एग्जामिनेशन देने आता है, तो ऐसे में बच्चे को काफ़ी ज़्यादा उस स्टेट में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ेगी। तो सीबीएसई का अभी तो दिल्ली में काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, काफ़ी सारे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स सभी को बंद कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक आपके सभी सरकारी संस्थान, स्कूल वगैरह, कोचिंग वगैरह दिल्ली में बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में एग्जामिनेशन मान लिया 30 अप्रैल तक जब इंस्टीट्यूट ही बंद है, काफ़ी सारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, यानी मान लिया इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जाए तो 4 मई से उनका एग्जाम है, वो लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, और स्कूल्स बंद है, प्राइवेट स्कूल बंद है, और एग्जाम, और कोविड का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लाख केस आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, दिल्ली में 8,000 से 9,000 केस एक दिन के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना ऑफलाइन काफ़ी ज़्यादा बेकार डिसीजन होगा सीबीएसई का। यदि वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराते हैं तो जो कोविड का क्राइसिस है केसेस का, वो और भी ज़्यादा रैपिडली से तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो ऐसे में 30 अप्रैल तक तो अभी बच्चों को ये भी नहीं बताया गया कि उनका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उन्हें ये भी नहीं पता कि एग्जामिनेशन कंडक्ट किस मोड में आने वाला है। अभी तक सीबीएसई ने श्योरिटी नहीं दी है एग्जामिनेशन को वो किस मोड में कंडक्ट करवाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, और काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को और काफ़ी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, और आप लोग को भी साथ देना होगा। यदि एग्जामिनेशन को कैंसिल करना है, #CBSE को आपका चलाना होगा, कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021, इस हैशटैग को आपको ट्रेंड करवाना होगा। ये हैशटैग ट्रेंड कर गया था ट्विटर पे, लगभग 4-5 लाख ट्वीट किया गया था और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पब्लिकेशन में इस चीज़ों को भी दिखाया गया था, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, सीबीएसई कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021। ऐसे में यदि सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल होते हैं तो काफ़ी सारे बोर्ड, अदर बोर्ड एग्जामिनेशन भी कैंसिल होने की पूरी तरीके से संभावना बढ़ जाएगी। जैसे कि आप लोग को पता है कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया। जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 10th और 12th वाले बच्चों के एग्जामिनेशन को अभी टिल फर्दर आगे डेट के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल उन्होंने भी नहीं किया लेकिन पोस्टपोनमेंट कर दिया। तो ऐसे सीबीएसई को भी कुछ ना कुछ डिसीजन उठाना पड़ेगा, ऑनलाइन उठा सकती है क्योंकि पूरे साल भर ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, लगभग 1 से 1.5 महीने में बच्चों का स्कूल जाना था, जनवरी के मंथ में स्कूल खुला था, तो ऐसे में काफ़ी सारे स्कूल में रिस्ट्रिक्शन थे, 2 दिन बुलाए जाते थे हफ्ते में, वीक में, तो ऐसे में महीने में बच्चे 5-6, 8-9 दिन जाते थे, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई है, वेल प्रिपेयर। तो एग्जामिनेशन को भी ऑनलाइन कराना एक अच्छा मोड माना जाएगा, यदि एग्जाम, यदि बच्चे की तैयारी यदि ऑफलाइन मोड में नहीं हुई है। कैंसिल करके बच्चों को इंटरनल बेसिस के मार्क्स पे, या SA1 या पीरियोडिक या मिड टर्म के बेसिस पे बच्चों का, जैसा कि अभी एग्जाम हुआ था, उनके बेसिस पे भी बच्चों को मार्क्स कैंसिल करके दिया जा सकता है। और ऑफलाइन करवाती है तो बच्चों को कम से कम पहले ही बता दिया जाए, कुछ दिन पहले। अब मान लो 30 अप्रैल को एग्जामिनेशन
दिल्ली के सारे स्कूल्स बंद है और 30 अप्रैल को ये बताया जाता है कि उनका 4 मई को एग्जाम है, तो ऐसे में बच्चे कहाँ से तैयार हो पाएंगे। तो काफ़ी दिन पहले यानी कि CBSE को श्योरिटी कर देना चाहिए कि उनका हॉल टिकट वगैरह अब जल्दी उन्हें रिलीज करना होगा यदि ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कि कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े यदि ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, और पोस्टपोन करना एक थोड़ा अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि पोस्टपोन करते हैं तो सेशन काफ़ी ज़्यादा आगे तक चल जाता है। तो दोस्तों इस आप लोग ट्विटर पर जुड़िए हमारे साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग ट्वीट चलाइए #cancelboardexam2021 और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिएगा। क्या एग्जाम यदि आपके ऑफलाइन होते तो भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा, यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर कैंसिल होता है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक होगा। तो आप लोग लगे रहिए, कोई डाउट्स आते तो आपके डिस्क्रिप्शन में आप लोग हमसे कोई कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे डाउट्स को पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जब तक मिलते हैं अगले नए वीडियो में। यदि आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत।